खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदारों की लापरवाही, बिना कंप्रेसर के मिट्टी पर डाला जा रहा डामर व गिट्टी। आपको बता दें कि पूरा मामला बाराबंकी जनपद के तहसील सिरौली गौसपुर के सफदरगंज से दरियाबाद रोड का है, जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। तभी रास्ते में देखा गया कि रोड पर बहुत सारी धूल पड़ी हुई है और धूल के ऊपर डामर गिट्टी डाली जा रही है, तो वहीं पर मौजूद भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता द्वारा वहां के जिम्मेदार से बात की गई और कहा कि कंप्रेसर हवा से आप धूल क्यों नहीं उड़ा रहे हैं। तो वहां पर उपस्थित उनमें से जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बस ऐसे ही साफ कर दिया जाता है और मिट्टी धूल नहीं है, जबकि रोड पर बहुत सारी धूल पड़ी दिखाई दे रही है, जो कि वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है। तो इसी के संबंध में किसान यूनियन के कार्यकर्ता द्वारा इसकी शिकायत एसडीएम सिरौली गौसपुर से की गई। देखिए बाराबंकी जनपद से प्रेम नारायण की ब्यूरो रिपोर्ट। ये मिट्टी में से उड़ा रहे हो क्या? उड़ा मिट्टी नहीं, ये देखो कितनी धूल है, मिट्टी पड़ी हुई है, साफ हुआ। जरा इस पे फूंक मारो, हल्का सा वो मारो, देखो देखो कितनी धूल है, ये देख रहे हो? हाँ देखो, हाँ जरा जरा फूंकी, फूंको फूंको, हाँ हाँ देख लो कितना ज़्यादा गर्दा उड़ रहा है। और इस पे जो है ऐसे ही इन्होंने गिट्टी डलवाना शुरू कर दिया है। ये बाराबंकी में जो है सफदरगंज से दरियाबाद मार्ग है, हाँ सफदरगंज से दरियाबाद ये जाता है रोड। और इस पे देखिए कितना साला, कितना ज़्यादा जो है, कितना सारा जो है गर्दा मिट्टी पड़ी हुई है, धूल पड़ी हुई है। और ये अपना जो है इस पे डामर वामर डला की गिट्टी डलाना शुरू कर दिए। क्या है मामला दादा? मैं राम सिंह वर्मा, एक किसान यूनियन से हूँ। हम रास्ते से निकल रहे थे, तब मैंने देखा कि ये डामर छोड़े थे, और डामर में जब मैं देखा वहाँ डामर में देखा तो वहाँ नीचे मिट्टी पड़ी हुई है, और सीधे मिट्टी पड़ी हुई है, इसी मिट्टी पे ऐसे डामर डाल रहे। मैंने कोई भाई साहब है, पता नहीं कौन है, नहीं पता है, जब मैं उसे ये शिकायत किया कि आप मिट्टी में डाल रहे हैं, तो बोला ऐसे पड़ती है, और जब तक ऐसे पड़ेगी तो आप उन्हें मालूम, हमें मालूम है कि हमसे आप ज्यादा जानते हैं। मिट्टी में जब डामर गिट्टी पड़ेगी तो मजबूत रहेगा, और जब तक ये सफाई नहीं होगी, सफाई करने के बाद जब गिट्टी पड़ेगी तो मजबूत ज्यादा रहेगी। ऐसे डालने से कोई मतलब नहीं है, आज छोड़ेंगे दो महीने वो उखड़ जाएगी, दो साल के बाद अब बनना शुरू हुआ है, जो पब्लिक इसे परेशान हो रही है आने जाने की, उसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि कंप्रेसर बहुत दूर खड़ा, कंप्रेसर चला ही नहीं रहे हैं, ये दिक्कत आ रही है। मिट्टी में रुकेगा ये, इनके तानाशाही खाली कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो आपने इसके लिए कहीं बताया किसी से? इसके लिए भी मैंने एसडीएम सिरौली गौसपुर से बात किया।